और भाई लोग, क्या हालचाल है? कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया यार। नई क्लास, नई बुक और नया जोश, एकदम मजा आ रहा होगा तुम्हें, है ना? हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना यार काफी बदलाव आ गया है। पहले हम लोग सिर्फ बुक से पढ़ते थे और जो चीजें समझ में नहीं आती थी वो हम जाकर सिर्फ टीचर से पूछते थे। लेकिन आजकल अगर हमें कोई चीज समझ में नहीं आती है तो हम लोग इंटरनेट की हेल्प लेते हैं, यूट्यूब वीडियोस की हेल्प लेते हैं और उससे सीख लेते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि आज से 100 साल बाद कैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम होगा, जब हमारे बच्चे के बच्चे पढ़ रहे होंगे? क्या वो भी आज के जैसे ही पढ़ेंगे? नहीं यार, मुझे लगता है ना उस समय तक काफी चीजें बदल जाएगी। उस समय तक यार रोबोटिक टीचर आ जाएंगे, AI आ जाएगी, फुल्ली डिजिटल हो जाएंगे हम लोग। उन लोगों को स्कूल जाने की जरूरत भी नहीं होगी, जैसा कि यार कुछ समय पहले हमारा कोविड में हाल हुआ था कि हमें स्कूल नहीं जाना पड़ता था, घर बैठे पढ़ना पड़ता था। मस्त यार, उनकी जिंदगी तो एकदम सेट है। तो आज ऐसी ये कहानी पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आज से 100 साल बाद, 150 साल बाद कैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम रहेगा। तो चलो यार कहानी को शुरू करते हैं। आज के चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। इसमें एक 11 साल की लड़की होती है जिसका नाम होता है मार्गी और एक 13 साल का लड़का होता है जिसका नाम होता है टॉमी। मार्गी को डायरी लिखने की आदत थी, तो दिन भर में जो भी उसके साथ होता था वो रात में आराम से बैठकर डायरी में लिख लेती थी। तो 17 मई 2157 की रात थी और उस दिन वो अपने डायरी में लिखती है कि टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, यानी कि आज टॉमी को एक असली बुक मिला है। असली बुक? अरे हाँ भाई, यही अपना पेपर प्रिंटेड बुक, क्योंकि उस समय तक ना हमारा जो ये पेपर प्रिंटेड बुक है ये सब नहीं चल रहा होता है। इसीलिए मार्गी अपने डायरी में लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिला है। वो बुक काफी पुरानी थी और मार्गी के दादाजी जो थे ना वो कहा करते थे कि जब वो छोटे थे तो उनके दादाजी उनको सुनाते थे, उनको बताते थे कि जब हमारे जमाना हुआ करता था तो हमारे जमाने में तो सारी कहानियां जो है वो पेपर पे ही लिखी हुई आती थी। मतलब मार्गी के दादाजी जो थे ना वो बताते थे कि हमारे जमाने में तो पेपर पे ही सारी कहानियां होती थी, लेकिन देखिए आजकल के बच्चे को टीवी में ही लगा रहते हैं। मतलब ऐसा डायलॉग उनका होगा। वो लोग बुक के पेज को पलटते हैं, बुक की पेज जो थी यार वो पूरी येलोइश हो चुकी थी और उसमें रिंकल्स वगैरह आ गए थे, एकदम लाइन लाइन से रिंकल्स आ गए थे, एकदम अजीब सा लग रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा पुराना बुक था ना यार, इसीलिए। और एक चीज उन लोग को बहुत ज्यादा हैरान कर रही थी कि जो वर्ड्स थे उस बुक में लिखे हुए वो मूव नहीं कर रहे थे, क्योंकि यार वो लोग भविष्य में है तो भविष्य में क्या होता है, वो लोग कंप्यूटर वगैरह पर, लैपटॉप वगैरह पर पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है वर्ड्स जो है ना वो मूव करती है। मतलब एक लाइन आया, उसको जैसे ही तुमने पढ़ा तो वो चला जाएगा और फिर दूसरा लाइन आएगा। लेकिन हमारे पेपर प्रिंटेड, हमारे फिजिकल बुक में क्या होता है, एक बार में जो लाइन छप गई वो छप गई, वो तो यार मिटेगी नहीं। और ये चीज देखकर ना वो बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि यार वो लोग जैसे ही एक पेज पढ़ते हैं और दूसरा पेज पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वापस से वो जो पिछले वाले पेज पे आते हैं तो देखते हैं कि वो एज इट इज लिखी हुई है। और ये सारी चीज उन लोग को हैरान कर रही थी कि ऐसे कैसे हो रहा है ये। फिर टॉमी कहता है, छी क्या बकवास चीज है ये, इस पेपर प्रिंटेड बुक को एक बार पढ़ने के बाद लोग फेंक देते होंगे, लेकिन हमारे टेलीविजन स्क्रीन्स में मिलियंस ऑफ बुक्स हैं और उसमें हम लोग और ज्यादा ऐड भी कर सकते हैं, जब अगर मेरे को कोई चीज पढ़ने की मन करे तो मैं डाउनलोड कर लूंगा सिंपली और पढ़ लूंगा, और हमें तो टेलीविजन स्क्रीन को फेंकना भी नहीं पड़ता है, लेकिन ये लोग तो इस बुक को फेंक देते हैं। तो टॉमी के अकॉर्डिंग जो पेपर प्रिंटेड बुक है, जो आज के जमाने में हमारी रियल लाइफ बुक है यार, वो बहुत ही बकवास बुक है, क्योंकि यार उसको हम लोग एक बार पढ़ने के बाद फेंक देते हैं। टॉमी हमारे फिजिकल बुक को अपने ई बुक से कंपेयर कर रहा है। मार्गी भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है कि हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे में तो ऐसा होता है और इनमें तो ऐसा होता है। मतलब वो दोनों डिस्कशन में लगे हुए थे। अच्छा टॉमी, तो तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली? मेरे घर में। वो घर की तरफ इशारा करता है क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ज्यादा बिजी होता है, तो बस बिना देखे हुए वो इशारा कर देता है कि देखो मेरे घर में मिली है। वो बुक उसके घर के एटिक में मिलता है। एटिक एक तरह का जगह होता है जहाँ पे यार पुराने सामान वान फेंके हुए रहते हैं, रखे हुए रहते हैं, स्टोर रूम लाइक। मार्गी बोलती है, अच्छा तो ये बुक किसके बारे में है? स्कूल के बारे में। क्या, स्कूल के बारे में? स्कूल के बारे में कौन लिखता है यार? ओह आई हेट स्कूल। मार्गी हमेशा से ही स्कूल से नफरत करती थी और अब तो स्कूल के नाम से और भी ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर है ना वो उसको टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा है ज्योग्राफी में, और उसके मार्क्स यार अच्छे आ ही नहीं रहे, दिन पर दिन उसके मार्क्स गिरते ही जा रहे हैं, और इसीलिए वो स्कूल को बहुत ही ज्यादा हेट कर रही है। उसकी माँ भी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है कि दिन प्रतिदिन इसके मार्क्स इतने क्यों गिर रहे हैं, और इसीलिए वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। यहाँ पर इंस्पेक्टर का मतलब मैकेनिक है, जो उस मैकेनिकल टीचर को ठीक करेगा, क्योंकि मार्गी की माँ खुद से तो उस मैकेनिकल टीचर को ठीक नहीं कर सकती, इसीलिए एक स्पेशलिस्ट को बुलाती है जो उसको ठीक कर सके। वो इंस्पेक्टर एक छोटा सा इंसान था जिसका गोल और लाल चेहरा था। उसके पास टूल का एक बॉक्स था और काफी सारे वायर्स थे। वो मार्गी को एक एप्पल देता है कि लो बेटा एप्पल खाओ, तब तक मैं तुम्हारे टीचर को ठीक करता हूँ,
और जाके उसके टीचर को निकालता है, मतलब कि उसके टीचर को ठीक वगैरह करने लगता होगा, कुछ पेचकस कस रहा होगा, तार वार जोड़ रहा होगा, कुछ तो कर रहा होगा। और इधर मार्गी भगवान से ये दुआ कर रही थी कि हे भगवान कुछ ऐसा करो कि इस इंसान से ये मैकेनिकल टीचर ना बने, मतलब मार्गी ये चाह रही थी कि जो इंस्पेक्टर है उससे ये मैकेनिकल टीचर ना बने और इस मैकेनिकल टीचर को बदलना पड़े ताकि उसको कुछ दिन के लिए छुट्टी मिल जाए तो आराम से वो रह सके, टेस्ट वेस्ट ना दे, हमें भी स्कूल नहीं जाना होता, तो हम भी भगवान से प्रेयर करते कि हे भगवान बारिश कर दो, ठंड का मौसम है बहुत ज़्यादा ठंड कर दो कि स्कूल ही ना जाना पड़े। तो सेम यार मार्गी भी सोच रही है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। कुछ ही घंटे बाद इंस्पेक्टर जो है उस टीचर को बना देता है और फिर से एक बड़ा सा ब्लैक कलर का खरूस सा मशीन तैयार हो जाता है जहाँ पर यह सारे लेसन्स होते हैं, जो भी लेसन्स होते हैं ना वो वहाँ पर शो हो रहे होते हैं, क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जा रहे होते हैं। और ये देखकर मार्गी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है कि अरे तेरी फिर से पढ़ना पड़ेगा दूर। मार्गी को सबसे ज़्यादा उस स्लॉट से नफरत थी जहाँ पर उसको होमवर्क को इंसर्ट करना होता है, क्योंकि यार हमें भी अपना होमवर्क करना और टीचर को दिखाना पसंद नहीं होता है, वैसे ही मार्गी को भी पसंद नहीं है। और इसीलिए वो कहती है कि मुझे वो स्लॉट बहुत ही ज़्यादा घटिया लगता है जहाँ पे मुझे होमवर्क्स को टेस्ट को सबमिट करना होता है। मार्गी को अपना होमवर्क पंच कोड में लिखना होता है और ये चीज़ें वो 6 साल की उम्र से ही सीख गई थी। पंच कोड हो सकता है यार एक कंप्यूटर का लैंग्वेज वगैरह होगा उस टाइम में जिसमें उस सबको लिखना होता होगा। और मैकेनिकल टीचर तुरंत ही सारे मार्क्स कैलकुलेट करके मार्गी के सामने दे देता है और ये चीज़ तो उसको बहुत ही ज़्यादा बकवास लगती है कि मैकेनिकल टीचर टाइम ही नहीं लेता है, तुरंत से ही सारे ग्रेड्स को कैलकुलेट करता है और उसके सामने बता देता है कि देखो बेटा तुम्हारा इतना मार्क्स आया है, मान लो अगर तुम्हारा भी टेस्ट होता है तो कम से कम तुम्हें 1-2 दिन टाइम तो मिलता है तब जाकर तुम्हारा रिजल्ट आता है, लेकिन इसका रिजल्ट तो तुरंत आ जाता है हैंड टू हैंड। वो इंस्पेक्टर अपना काम खत्म करने के बाद मार्गी का सर थपथपाता है और उसकी माँ से कहता है कि देखिए मिसेस जॉन्स इसकी कोई भी इसमें गलती नहीं है, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर है ना उसकी ज्योग्राफी का सेक्टर जो है वो थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया है और इसीलिए इसके मार्क्स दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने उसको एडजस्ट कर दिया है और इसके लेवल का ले आया है, इसका एवरेज 10 ईयर का लेवल है और इसी लेवल पे मैंने उसको सेट कर दिया है, एक्चुअली में इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस सही है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। और वो फिर से मार्गी के सर पे थपथपाता है और ये बात सुनकर मार्गी बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि जो उसका ज्योग्राफी का सेक्टर है उसको वो खोल कर ले जाएंगे और कुछ दिन बाद फिर से बनाकर ला कर ठीक करके डालेंगे, जैसा कि एक बार टॉमी के टीचर के साथ हुआ था। जो टॉमी का हिस्ट्री का टीचर था वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था, एकदम काला पड़ गया था, तो जो इंस्पेक्टर उसे ठीक करने आया था वो उसको निकाल कर उसके हिस्ट्री को टीचर को निकाल कर लेके गया था और 1-2 महीने बाद आया था उसे लेकर। और मार्गी भी यही उम्मीद कर रही थी कि जो उसका ज्योग्राफी का सेक्टर खराब हो गया है तो 1-2 महीना बाद आएंगे तब तक मैं चिल करूंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं तो मार्गी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई और इसीलिए वो टॉमी से कहती है कि स्कूल के बारे में कौन लिखता है यार। टॉमी मार्गी की आंखों में देखता है और कहता है अरे पगली उस समय हमारे जैसा स्कूल थोड़ा ना था, ये बहुत ही पुराने जमाने की बात है, उस समय बहुत ही पुराने टाइप का स्कूल चलता था, आज से 100-200 साल पुरानी बात है, सेंचुरीज अगो, समझ रही है तू। मार्गी हर्ट हो जाती है और कहती है हाँ ठीक है मुझे नहीं पता कि उस टाइम में कौन सा स्कूल चलता था कैसा स्कूल चलता था, उस समय की बात मुझे क्या पता। और वो उस बुक में झांक कर पढ़ने की कोशिश करती है जो टॉमी पढ़ रहा होता है। टॉमी एक कंधे के पास जाती है और उसको झांक कर पढ़ने की कोशिश करती है कि क्या लिखा हुआ है। ए टॉमी अरे पता ना कथी लिखा रही, मतलब वो पढ़ने की कोशिश कर रही थी। और फिर वो कहती है हाँ ठीक है टीचर तो उस टाइम पे भी होते ही होंगे ना। हाँ उस टाइम पे भी टीचर होते थे लेकिन हमारे जैसे टीचर नहीं होते थे, वो टीचर एक इंसान हुआ करता था। क्या एक इंसान? एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है? हाँ उस समय इंसान टीचर हुआ करता था, वो लड़कों को लड़कियों को चीजें समझाता था, उनको होमवर्क्स देता था और उनसे क्वेश्चंस पूछता था। लेकिन एक इंसान इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है, इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है कि वो एक टीचर बन जाएगा? बिल्कुल हो सकता है, मेरे पापा मेरे मैकेनिकल टीचर जितना जानते हैं तो वो भी तो स्मार्ट हुए ना और वो भी टीचर बन सकते हैं, टॉमी ऐसा बोल रहा था। अब मार्गी का मुंह ही बंद हो गया, बोले तो बोले क्या, लेकिन मैं किसी अनजान इंसान को अपने घर में पढ़ाने के लिए तो नहीं रख सकती। टॉमी उसकी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। तुझे कुछ भी नहीं पता है मार्गी, टीचर हमारे घर में थोड़े रहेंगे, वहाँ पर उस टाइम पर एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ पर सारे बच्चे आते थे सेम एज के और टीचर उन्हें पढ़ाता था, सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे और एक ही चीज़ सीखते थे। लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है सारे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, तो सारे बच्चे एक साथ कैसे पढ़ के सीख सकते हैं? वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते थे क्योंकि सारे बच्चे जो है वो सेम एज के होते थे तो वो सभी को एक ही चीज़ पढ़ाते थे। अगर तुझे ये बुक पढ़ना नहीं है ना तो चली जाए यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर। अरे नहीं नहीं मैंने कब कहा कि मुझे पढ़ना नहीं है, मार्गी तुरंत से ही जवाब देती है, क्योंकि उससे पुराने जमाने के स्कूल के बारे में पढ़कर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा वो हंस रही थी और उसके बारे में इमेजिन कर रही थी।
उन्होंने उस बुक को आधा भी खत्म नहीं किया होता तभी मार्गी की माँ मार्गी को बुलाती है। मार्गी चलो स्कूल का टाइम हो गया। नहीं मम्मी अभी नहीं जाऊंगी मैं। मैंने कहा ना अभी, मिसेस जॉन्स यानी कि मार्गी की माँ ऐसा बोलती है। और हो सकता है कि टॉमी के क्लास का टाइम भी हो गया हो, तो मार्गी टॉमी से कहती है कि क्या हम लोग थोड़ा सा और इस बुक को पढ़ सकते हैं स्कूल के बाद साथ साथ। टॉमी एकदम कूल बनते हुए कहता है हाँ ठीक है देखते हैं, पढ़ना होगा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेंगे, और एकदम सीटी बजाते हुए चल जाता है। सीटी बजाते हुए बुक को अपने हाथों में दबाता है और चल जाता है। मार्गी का जो स्कूल रूम था वो जस्ट उसके बेडरूम के राइट साइड में था। मैकेनिकल टीचर ऑन था और वहां पर उसका इंतजार कर रहा था। वो हमेशा इसी टाइम पर पढ़ती थी, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर, क्योंकि उसकी माँ का मानना था कि अगर बच्चे सेम टाइम पर पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। मार्गी का मैकेनिकल टीचर लिखता है कि आज हम लोग अर्थमेटिक लेसन में प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करना सीखेंगे, प्लीज अब अपना कल का होमवर्क स्लॉट में प्रॉपर तरीके से इंसर्ट कर दे। मार्गी ऐसा ही करती है और वो उस पुराने स्कूल के बारे में सोचने लगती है जब उसके दादा के दादाजी छोटे बच्चे हुआ करते थे, तो उस टाइम पे जैसी स्कूल होती ना उस स्कूल के बारे में वो सोचने लगती है कि कैसे सारे आसपास के जितने भी पड़ोसी के बच्चे हैं वो एक स्कूल में जाते होंगे, हंसते होंगे, शोर मचाते होंगे, स्कूल में बैठे बैठे एक साथ स्कूल रूम में बैठकर पढ़ते होंगे और घर भी साथ में जाते होंगे जब स्कूल खत्म हो जाता होगा। ये सारी चीजें उसको बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही होती है क्योंकि वो यार दिन भर घर में बैठकर पढ़ते पढ़ते बोर हो गई थी। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग भी कोविड के टाइम में काफी ज्यादा बोर हो गए होगे घर पर अकेले अकेले पढ़कर। तुम्हें भी यार स्कूल की यादें आ रही होगी कि कैसे यार स्कूल में मस्ती करते थे, मजाक करते थे और फिर भी पढ़ते थे। तो वही फीलिंग, वही सेम चीज यार मार्गी भी मिस कर रही है। आगे वो सोचती है कि कैसे वो लोग साथ में पढ़ते होंगे एक ही चीज को, और अगर किसी को हेल्प चाहिए होती होगी होमवर्क वगैरह में तो दूसरा उसको हेल्प कर देता होगा या फिर उसके बारे में डिस्कशन करता होगा और उसको समझा देता होगा, और उनके टीचर इंसान होते होंगे तो कितना अच्छा होता होगा। ये सारी चीजें ना वो इमेजिन कर रही थी। और इधर उसका मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होता है और लिख रहा होता है कि व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 सो ऑन। मतलब इधर उसका मैकेनिकल टीचर उसको पढ़ा रहा है लेकिन ये तो यार ख्यालों की दुनिया में खोई हुई है। मार्गी ये सोच रही थी कि उस जमाने में बच्चे कितना खुश हुआ करते होंगे। वो उन लोग के मस्ती मजाक के बारे में सोच रही थी कि कैसे वो लोग मस्ती मजाक करते थे, द फन दे हैड। और इसी पर ये पूरे चैप्टर का नाम भी रखा गया, द फन दे हैड। तो बस यार कहानी इतनी सी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और यार मुझे कमेंट में ये बात जरूर बताना कि कोविड के टाइम में तुम अपने स्कूल को मिस कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, और तुम्हें क्या लगता है कि फ्यूचर में क्या क्या आ सकता है। इंस्टाग्राम पे अभी तक तुमने मुझे फॉलो नहीं किया तो जाओ यार इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो।